सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइड मैं लेकर आया हूँ आपको BH यूनिवर्सिटी वाराणसी विश्वविद्यालय में, और वहाँ झंडा रोहण का कार्यक्रम चल रहा है। और आइए आपको गेस्ट की बातें सुनाता हूँ और आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो ठीक है गाइस, आप हमारे साथ बस बने रहिए और गेस्ट लोगों की बात आप लोग सुनिए कि क्या कह रहे हैं। तो ठीक है, नियत अच्छी है और ईमानदारी से काम करें, मतभेद हो सकते हैं, और मतभेदों को वार्तालाप से सॉल्व किया, और हर बात में हर व्यक्ति को एग्री करना जरूरी है। मेरा आपका मतभेद हो संस्थान में या उसी देश में या उसी राज्य में उसी जिले में, मित्रों के साथ मित्रों की तरह से परिवार के सदस्य की तरह से रह सकते हैं। हमारा हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में मतभेद होता है, हमारे माता और पिता के बीच में मतभेद होता है, तो मतभेद होना चाहिए। मनुष्य है, जानवर नहीं है। अपनी तो थिंकिंग होगी, दिमाग तो होगा, दिमाग होगा तो विचार भी होगा, विचार होगा तो दो विचार मिलेंगे नहीं। वार्तालाप से उसको जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सकता है, हमेशा कम किया जा सकता है। लेकिन जब ये सब हो जाए और उसके बाद एक निर्णय हो जाए कि हमें ये करना है, और उसकी वजह है कि हम लोग अपने मतभेदों को वार्तालाप से डिस्कस करें और एक कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है देश के लिए और विश्व के लिए। जिस तरह की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन डिमांड हो रही है, जिस तरह की नई शक्ति एक उभर के आ रही है हमारे पड़ोस में, उस स्थिति में हमको अपने देश को विश्वविद्यालयों को बदलना। आज अगर गूगल का जो हेड है वो इंडियन है तो इसलिए है कि उसकी एजुकेशन अच्छी है, वो इसलिए नहीं है कि उसके पिताजी कोई महाराजा थे या कोई बहुत अमीर इंडस्ट्री लीडर थे या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी की परिकल्पना यह नहीं थी कि हमारे लोग ग्रेजुएट होकर के ICS बनेंगे, उनका था कि देश को आगे चलाएंगे। मेरा मानना है कि उस परिकल्पना से काफी हम दूर हैं अभी। अभी जो देश में विश्वविद्यालय का जो इम्पैक्ट है वो जो था वो आज नहीं है, और हम सबको इसके बारे में आत्ममंथन करना होगा, सोचना होगा कि क्या हम आज भी उतने ही मजबूत हैं, विश्वविद्यालय का स्थान उतना ही मजबूत है जो 50 साल पहले या 70 साल पहले था। और मुझे लगता है कि यह आत्ममंथन अपने आप को कमजोर देखने के लिए नहीं, अपने आप को कोसने के लिए नहीं, अपने 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए। जय हिंद। Thank you.